नमस्कार, संगीतास के किचन में आपका स्वागत है। ये देखिए, मेरे पास है बढ़िया ताजी मिर्च और इसको मैं इस तरह से बीच में एक स्लिट लगा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार होगी सूखी मिर्च। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ ये प्याज, लहसुन और मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और डालेंगे थोड़ा सा जीरा। बहुत ही लाजवाब बन के ये तैयार होती है। और जब कभी आपके पास कोई सब्जी नहीं, वो लॉकडाउन में अगर मिर्च है तो ये मिर्च भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैंने डाल दी बढ़िया हींग, तो हींग जीरा प्याज लहसुन वैसे ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से। और स्लिट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब हम मिर्च बनाते हैं कभी भी तो उसमें स्लिट लगाना जरूरी है, लेकिन क्योंकि जैसे ही आप मिर्च डालेंगे वो थोड़ा फट जाती है और आपको चोट लग सकती है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये टमाटर। मैं थोड़ा ही थोड़ा सा सामान डाल रही हूँ क्योंकि मिर्च का स्वाद अपने आप में बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप देखिए, इतना करने के बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये हरी मिर्च। कितनी टेम्पटिंग और कितनी बढ़िया ये लग रही है। अब देखिए, मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर और मैं डालूंगी सूखा धनिया और साथ में मैं डालूंगी अमचूर पाउडर और चलेगा नमक। नमक थोड़ा सा ऊंचा जाता है ताकि मिर्च का तीखापन थोड़ा बैलेंस हो जाए। आप देख सकते हैं। अब इसको मुझे क्या करना है, मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर ढक लगा के रख दूंगी। ढकने से ये मिर्च का जो पानी है वो इसको गला देगा और ये जो मसाले मैंने डाले हैं ये बहुत ही अच्छे इसके अंदर हो जाएंगे तैयार। तो बस अब मैं इसको हल्का करके थोड़ा सा इसके अंदर दही भी डालूंगी। आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा खट्टा दही था तो मैंने सोचा मैं ये डालूं जिससे कि ये सारा मसाला बंध जाएगा। और देखिए इस तरह से आप इसको डालिए, बहुत ही अच्छी खट्टी मिर्च बन के तैयार हो जाएगी। ये हमारे इंस्टेंट मिर्च की सब्जी लाजवाब लगेगी खाने में। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली है, बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूंगी कश्मीरी मिर्च। तो देखिए किस तरह से डालने के बाद मैं इसको ढकती हूँ। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद, जब तक हमारी मिर्च बनके हो जाएगी तैयार। अब देखिए ये लाजवाब चटपटी बिल्कुल बढ़िया मिर्च हो गई तैयार। इतनी स्वादिष्ट कि आपको कोई सब्जी इसके साथ जरूरत नहीं है। तो बस अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। आपके मुंह में तो ऑलरेडी पानी आ रहा होगा। आप चाहें, अगर आपको और खट्टे का शौक है तो आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। बाकी मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है। तो देखिए चटपटी मिर्च हो गई तैयार। ये राजस्थान में बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनती है क्योंकि वहाँ थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स कम होती हैं, इसलिए हमेशा खाना राजस्थान का तीखा होता है। तो आप इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये प्यारी सी चटपटी सी रेसिपी कैसी लगी। डू गिव इट अ ट्राई। Thanks for watching my video. Do like and subscribe if you love these innovative, tasty, delicious, yummy recipe. Thanks for watching.